गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास टेंथ का लेसन फाइव जिसका शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी माँ, तुल्य यानी के समान, सिमिलर, वत्सल यानी स्नेह करने वाली, प्रेम करने वाली। तो आज लेसन फाइव में हम कक्षा दशम वर्ग का हम ये पढ़ने वाले हैं। ये कथा ली कहां से दी है? ये कहानी महाभारत के वन पर्व से ली गई है। इस पाठ से मैं आपका पहले परिचय करा देता हूं। ये वन पर्व से जो यह कथा को ली गई है, इसमें न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्ट पल बल देती है, समान दृष्टि। जो हम मनुष्य ही सिर्फ केवल प्राणी नहीं है, जितने भी जीव जंतु है संसार के, सभी समान है, एक समान है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी मां को, समाज में जितने दुर्बल लोग होते हैं या कोई भी जीव हो, उनकी मां की ममता जो है उनके प्रति प्रगाढ़ होती है, बहुत अधिक होती है। यह इस पाठ का ही अभिप्रेत है, कहने का तात्पर्य है। तो आइए इस कथा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेसन फाइव, जननी तुल्यवत्सला। कश्चित कृषक वलीवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्। अत्र शब्दम प्रयुक्तम अस्ति कश्चित। कश्चित शब्द का संधि विच्छेद करें तो होगा कह जोड़ चित बराबर कश्चित। यहां हम जो संधि विच्छेद या व्याकरण संबंधी जो बात आ रही है उसको मैं आपको धीरे धीरे बताते हुए चल रहा हूं। कश्चित यानी कोई शब्द का अर्थ होगा कृषक। कृषक अर्थात किसान, यहां शब्द आया कृषक। कृषक यानी किसान, फार्मर, यानी कोई किसान वलीवर्दाभ्याम। वलीवर्दा कहते हैं बैल को। वलीवर्दाभ्याम यानी द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तृतीय विभक्ति। दो बैलों से क्या कर रहा था? क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र यानी खेत, कर्षण जोतना यानी खेत को जोत रहा था। कुर्वन क्री धातु में सत्रि प्रत्यय, देखें क्री धातु है, धातु मेन भाग मुख्य क्रिया, जोर सत्री प्रत्यय, सत्री। यहां पर क्या होगा पुलिंग में कुर्वन, स्त्रीलिंग में कुर्वन्ती, नपुंसक में कुर्वन। अर्थ क्या आता है सत्री प्रत्यय लगने के बाद? कंटिन्यूअस के अर्थ, कोई भी क्रिया लगातार होती जुड़े रही है कंटिन्यू, तो उसमें हम सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहां अर्थ क्या हो गया? कश्चित कृषक बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन आसी। कोई किसान अपने खेतों में दो बैलों से खेत को जोत रहा था। आसीत मूल धातु क्या है? अस, अस मतलब होना, और इसका लंग लकार में यानी पास्ट टेंस में हम कैसे बनाएंगे? आसीत, आस्ताम, आसन। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और दो से अधिक के लिए बहुवचन। तो यहां अकेला किसान है इसीलिए कुर्वन आसीत। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः। उस दोनों बैल में जो बलिवर्दा है
उस दोनों बैलों में एक जो बैल है वो शरीरेन शरीर से दुर्बला कमजोर है। जवेन गंतुम अशक्त च आसी, जवेन अर्थात तीव्र गति से, शब्द क्या आया जवेन, जवेन तेजी से जल्दी से शीघ्र, गंतुम जाने के लिए अशक्य अशक्त है, उससे जल्दी चला हुआ नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो बलिवर्धा यानी बैल दुर्बल है, शरीर से कमजोर है। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम, इसलिए वह जो किसान है तम वृषभम उस बैल को, यहां बलिवर्धा का अर्थ वही है जो वृषभम का अर्थ है यानी बैल, तो शब्द क्या आया मेरा वृषभम, व में ढी की मात्रा मूर्धन्य ष और व अनुस्वार वृषभम यानी बैल, और इसका साइनोनिम क्या है बलिवर्धा यानी बैल। तो तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन मुद्यमानः अवर्तत, अब देखें कि वो क्या कर रहा है, बहुत कष्ट पहुंचाते हुए जबरदस्ती उसको हांक रहा है खेत में, तोदनेन यानी जबरदस्ती बलपूर्वक, मुद्यमानः जबरदस्ती घीस के ले जाते हुए अवर्तत जोत रहा था उस कमजोर बैल से जो कि तेजी से नहीं चल पा रहा। सॉरी सुबह हल मुड्वा गंतुम अशक्त, यहां पर तीसरा शब्द आया ऋषभ, ऋषभ वृषभ वलिवर्धः, ये सब साइनोनिम्स हैं, पर्याय हैं, ध्यान रखेंगे। हलम मुड्वा यानी हल जो होता है ना जोतने वाला, उस हल को उठाकर गंतुम जाने के लिए अशक्त नहीं हो सक रहा था। क्षेत्रे पपात, और लास्ट में क्या हो गया, क्षेत्रे क्षेत्रम यानी खेत, क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति यानी खेत में, पपात गिर गया, यहां पद धातु है, पद का मतलब होता है गिरना, पपात गिर गया, कहां गिर गया प्रश्न आ सकता है, क्षेत्रे पपात खेत में गिर गया। क्रुद्धा कृषि वलह, अब जब वो बैल गिर गया तो किसान गुस्सा हो रहा है, क्रुद्धा गुस्सा होना, कृषि वलह यानी कृषक किसान। तम उत्थापयु तुम, तम यानी उसको, तद का शब्द रूप आप पढ़े होंगे, सह तौते तम तोतान तीन ताभ्याम ते, उसमें तम द्वितीय विभक्ति, उसको उत्थापयु तुम उठाने के लिए बहुबारम यत्नम अकरोत, बहुत बार यत्न किया, यत्नम यानी प्रयास, प्रयासम अकरोत किया था, बहुत बार उठाने का प्रयास किया लेकिन वो कमजोर बैल खेत में गिर गया। तथापि वृषः न उत्थिता, फिर भी वह जो बैल है वो उठ नहीं सका, तो यहां पर एक शब्द आया नोत्थिता, नोत्थिता, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे हम, नो जोड़ उत्थिता, नहीं उठ पाया, ये पहला पैरा था। यहां हमको नया शब्द क्या आया, वृषभ बैल, वृषभ बैल, ऋषभ बैल, बलिवर्धा बैल, प्रश्न में आता है किसका पर्याय हम किम, पर्याय यानी सैनोनिम समानार्थक शब्द क्या है, तो आपको जो भी ऑप्शन होगा उसमें से चूज करके देना। भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, जमीन पर गिरते ही अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुना मातुः सुरभे, सभी गायों के धेनु यानी गौ यानी गाय, तो सर्व धेनु नाम सभी गायों के जितने भी नाम है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति क्या है संबंध कारक, काके की राड़ेरी चिन्हाता है ना, तो सर्व धेनु नाम सभी गायों के मातुः, माता शब्द का षष्ठी विभक्ति माता का, सुरभे सभी गायों की जो माता है ना उनको हम सुरभि बोलते हैं, सुरभि मतलब अमृत होता है, नेत्राभ्याम अश्रुणि, नेत्रम नपुंसकलिंग
यहां जेंडर पर बात करते हैं ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो नेत्राभ्याम दोनों आंखों से तृतीय विभक्ति अश्रुनी आंसू अविरासन अविरल गिर रहे थे। किसकी? सभी गायों की, जो माता है सुरभि, क्या देखकर कि उनका एक पुत्र इतना कमजोर है और उसको वो जो कृषक है किसान जबरदस्ती खेत में जोत रहा है, नहीं वो सक रहा है फिर भी उसको तो दनेन जबरदस्ती मार पीट करके उसको खेत में चलने के लिए बल प्रयोग कर रहा है और लास्ट में वो बैल गिर जाता है खेत में। यह देखकर एक माँ की जो दर्द है यहाँ वो कहानी में दर्शाती है कि उसकी दोनों आंखों से आंसू आता है। सुरभेड़ी अमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, ये सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिपः, सुर जोड़ अधिपः, यहां दीर्घ संधि है ध्यान देंगे, सुर मतलब होता है देवता, अधिपः का मतलब होता है राजा, सुराधिपः का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, सुर जोड़ अधिपः बराबर सुराधिपः, सुराधिपः यानी राजा, तो देवता के राजा यानी इंद्र। ताम पृच्छत, ताम अपृच्छत, उससे पूछते हैं किससे, सुरभि से, अहि सुभे हे सौभाग्यशाली, कि मैं एवं रोदिषि, इस प्रकार तुम क्यों रो रहे हो, उच्चताम कहो ना, इति, ऐसा बात कौन पूछ रहे हैं, सुराधिपः यानी सुर के जो अधिपति है यानी राजा इंद्र पूछ रहे हैं। अब इसके बाद अपनी वेदना अपनी दुख को सुरभि जो गौ माता है वो प्रकट करती है, जो हम दूसरे वीडियो में आपको फिर बताने जा रहे हैं। तो इस यहां तक इस पैरा तक जो हमने पढ़ा उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यह वन पर्व से ली गई है। वन पर्व कहाँ है, महाभारत के अंश का है भाग, और उसमें हमें यह सिखलाने का कोशिश किया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से कि हम मनुष्यों को सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सुख और दुख होता है, सभी जीवों को बराबर हो रहा है। तो फिर दूसरे वीडियो में हम इस टॉपिक